गाजियाबाद में 31 दिसंबर से लापता दो युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि तेजाब से जलाकर उनकी हत्या की गई है। आरोप एक इलाके के केमिकल फैक्ट्री पर है। परिजनों के मुताबिक युवक और अन्य ग्रामीण यहां के केमिकल फैक्ट्री में जो प्रदूषण फैला रही है उनको बंद करवाना चाहते थे, इस वजह से उनकी हत्या की गई है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि अवैध फैक्ट्री के द्वारा इनको मारा गया है। यहाँ पे इनके मुंह पे, दोनों के मुंह पे तेजाब भी डाला गया है और चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। बॉडी से पता चल रहा है कि हाँ ये है। और उसमें एक की बॉडी तो पुलिस वाले ले गए हैं, दूसरे वाले की हमने ले जाने नहीं दी। क्या मांगे हमारी? ये मांग है उनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमारा यही न्याय, अगर नहीं होती है तो हम पूरी आंदोलन करेंगे। इसमें घटनाक्रम ये, कल ये 31 तारीख की रात 7 बजे से गायब है। 7 बजे के बाद में जो कल इनकी तहरीर हम तिल्ले मोड़ थाने में देखा है, उन्होंने फिर थोड़ी बहुत इंक्वायरी करी, फिर आज हम फिर तहरीर देने गए तो गुमसुदगी की तहरीर ले ली। फिर वहां से यहाँ पे एक लकड़ी काटी थी, उसने देखे कि एक बॉडी पड़ी है जो कि कुछ तेजाब पड़ा उसके ऊपर और अधकचरी, मतलब ये 31 तारीख की बॉडी है। एक दूसरी बॉडी फिर बच्चे ने जब ढूंढने लगे यहाँ क्या हुआ है, ये मारे यहाँ फैक्ट्री वालों ने जो यहाँ अवैध फैक्ट्री चलाते हैं। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना टीला मोड़ क्षेत्र में गांव रिस्तल और गांव चिरौड़ी में शाम को 3 बजे पे दो शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों की पहचान उनके परिवारजनों द्वारा गौरव कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष और दुर्गेश कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष के रूप में की गई है। मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।